नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पारी गुरु में। और आज हम बताएंगे आपको एसडीएमआईएस के बारे में। जो एमआईएस का जो डाटा हरियाणा के सभी स्कूलों ने ऑनलाइन कर रखा है बच्चों के एडमिशन के रिगार्डिंग, जिसमें बच्चों का एडमिशन भी है, रिलीविंग भी उसी में होती है, ज्वाइनिंग भी उसी में होती है, सारे काम आजकल एमआईएस के ऊपर चल रहे हैं हरियाणा के अंदर पिछले 2-3 साल से। लेकिन एक जो एसडीएमआईएस का फॉर्मेट है वो कोई सेंट्रलाइज फॉर्मेट है, उसके रिगार्डिंग सभी के लिए इस बार एमआईएस के अंदर ही ऑप्शन दिया गया है कि आप एसडीएमआईएस का डाटा अपलोड करें। पिछली बार भी ये एसडीएमआईएस का डाटा आया था, लेकिन ये पिछली बार अलग से था, ये एमआईएस के अंदर इसमें ऑप्शन नहीं था। इस बार एमआईएस के अंदर ही इसकी यूटिलिटी दी गई है और उसको कैसे अपलोड करना है उसमें आपको दो तरह के ऑप्शन है। एक तो है कि सिंगल 1x1 एंट्री आप करेंगे बच्चे की, और 1x1 एंट्री यदि आप करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम आपका लगता है। तो हम आपको बताएंगे दूसरा ऑप्शन जो है कि बल्क अपलोड करने का। हम सिंगल वाला भी आपको करके दिखाएंगे, लेकिन बल्क वाला मेन फोकस रहेगा, क्योंकि बल्क में आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। एक एक्सेल फाइल है, उसके अंदर फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के अंदर आप अपना सारा डाटा कीजिए और उसके बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए। लेकिन उसमें अपलोड जब आप करते हैं तो उसमें आपको एरर आ रही होगी, फेल्ड आ रहे होंगे, एक्सेप्शंस आ रहे होंगे, सक्सेस भी आ रहे होंगे कुछ, ठीक है। तो आपको सक्सेस लाने हैं मैक्सिमम, वो कैसे आएंगे उसके रिगार्डिंग हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और जो फाइल फॉर्मेट है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, उसके अंदर आप एडिटिंग करके आप अपना डाटा उसके अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सारी प्रोसेस रहेगी कि आप बल्क में कैसे अपलोड कर सकते हैं और कैसे विदाउट एरर आप इसको अपलोड करेंगे, क्या क्या फाइल फॉर्मेट रहेगा। हम 1-5, 6-8 और 9-12 तीनों क्लासेज के लिए, मतलब तीन तरह के जो स्ट्रीम है उनके लिए हम अलग अलग फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्राइमरी स्कूलों के लिए अलग से, मिडिल स्कूलों के लिए अलग से, और 9-12 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए अलग से। तो इस टाइप से हम आपको ये मतलब प्रोवाइड करवाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाएंगे, लाइव डेमो दिखाएंगे हम हमारे कंप्यूटर के अंदर, और एक स्कूल हम लेके चलेंगे और कितने टाइम के बाद वो सक्सेस हो जाती है, कितने टाइम के बाद वो सक्सेस नहीं होती है। आप जैसे अपलोड कर दिया और आपको 4-5 मिनट लग रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो आप उसको लॉग आउट कर दीजिए। उसके बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि सक्सेस हो सकता है, वो सक्सेस दिखा देगा। मैंने एक बार किया कि अपने ही खुद का किया, तो खुद ही स्कूल का किया, तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट डे हमने चेक किया तो उसमें सक्सेस दिखा रहा था वो सारे के सारे। और कई बार आपको 0-0 काउंट दिखा देता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगले दिन आपको सक्सेस दिखा भी सकता है। और कई बार आता है आपका कि डुप्लीकेट एंट्री का इश्यू ये है कि डुप्लीकेट एंट्री ऐसे है कि आपने जैसे पहले अपलोड कर दिए हैं, जैसे आपके 60 बच्चे हैं, आपने अपलोड कर दिए, 30 बच्चे सक्सेस हो गए, 30 फेल हो गए। अब आप दोबारा उन 60 को अपलोड करेंगे तो जो 30 सक्सेस हो चुके थे वो आपको डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा, वो दोबारा से नहीं होगा। और इसके अंदर डिलीट का अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं है और एक्सेप्शन का भी अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दिया है। बाकी जितने पॉसिबल वे हैं हम आपको सारे बताएंगे, सारे करके दिखाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले एमआईएस की साइट खोलेंगे और उसके अंदर हम लॉगिन में जाएंगे, स्कूल लॉगिन के अंदर, ठीक है। स्कूल लॉगिन के अंदर जाके हम आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। जो भी आपके स्कूल के आईडी एंड पासवर्ड है वो आप डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपका अभी ये लॉगिन हो गया है, उसमें स्टूडेंट एडमिशन के अंदर जो है अपना ऑप्शन है एसडीएमआईएस के लिए, एसडीएमआईएस वेरिएबल इंडिविजुअल और एसडीएमआईएस वेरिएबल ब्लॉक। तो एसडीएमआईएस वेरिएबल इंडिविजुअल पे हमने जैसे क्लिक किया है तो इंडिविजुअल वाला हम चेक करेंगे। जैसे या तो सारा नंबर डाल के एक एक बच्चे का सर्च कीजिए, या आप एडवांस सर्च में जाके क्लास चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास चूज कर लीजिए, सेक्शन चूज कर लीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा। जैसे हमने अभी चूज कर लिया 9th क्लास चूज कर लिया, उसके बाद सेक्शन चूज कर लेते हैं ए, उसके बाद हम स्टूडेंट का नेम डालते हैं, सर्च कर लेते हैं। सीधा हमने जैसे सर्च किया तो इसमें पूरी जो 9th की क्लास है आपकी सेक्शन ए की, वो सारी इसके अंदर शो हो जाएगी। अभी आप नीचे देखेंगे इसके अंदर कि सारी ये चीज़ें इसमें शो हो रही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो जाएंगी। और इसमें आपने जैसे अजय कुमार इस बच्चे को सिलेक्ट कर लिया हमने, जैसे इस स्कूल के अंदर हमने ऑलरेडी डाटा सारा अपलोड कर रखा है, तो इसलिए जो फिलअप आएगा सारा, देखिए आप जैसे मदर टंग आ रही है इसके अंदर, फिर नेम ऑफ एजुकेशन लोकेलिटी आ रहा है सतनाली, जैसे ठीक बिलोंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप यस या नो, नो आएगा। और क्लास जो लास्ट ईयर की वो 8th आ जाएगी। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नॉट एप्लीकेबल, फ्री बाइसिकल फैसिलिटी नो, फ्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी नो, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी नॉट एप्लीकेबल। ये हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सभी में ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। वेदर द चाइल्ड इज होमलेस, इसमें आएगा विद पेरेंट्स और गार्जियन, कोई भी बच्चा
होमलेस नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है। इसमें लगभग यही ऑप्शन आपका आएगा और रिजल्ट क्या आएगा लास्ट ईयर का प्रमोटेड। जो बच्चा फ्रेश आया है फर्स्ट में वो आएगा फ्रेश एडमिशन, बाकी सभी प्रमोटेड आएंगे, और चाहे वो सिक्स्थ में आया है तो भी प्रमोटेड आएगा। यदि वो पहले किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, सीधा यदि एडमिशन उसने एज के आधार पर लिया है तो उसका फ्रेश एडमिशन आएगा। यह एनएसक्यूएफ के लिए है, इसमें आपको कुछ भी चूज नहीं करना है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यदि आपके स्कूल में एनएसक्यूएफ की स्किल है तो आप एनएसक्यूएफ की स्किल्स की डिटेल उसमें डाल सकते हैं। तो इस टाइप से तो ये इंडिविजुअल डालने का था, इंडिविजुअल डालने वाले में काफ़ी टाइम लगता है। हम आपको बताएंगे बल्क एसडीएमएस वेरिएबल बल्क में। तो बल्क में हमने जैसे इसके अंदर डाल रखा है, आप देख पा रहे हैं कि हमने तीन फाइलें अपलोड कर रखी हैं। फाइल पहली है एसडीएमएस G++47628, 65 बचे थे, 65 सक्सेस काउंट हो चुके हैं और ये टाइम भी इसमें दिखा रहा है कब हुए, 20 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद है एसडीएमएस G++47363 बचे, इसमें फेलियर दिखा रहा है काफ़ी और रिसेप्शन, ठीक है। उसके बाद तीसरी फाइल है 363336 सक्सेस काउंट है और 2 फेलियर और 25 एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन केस का तो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। जैसे व्यू एंट्री में हम जाएंगे 628 वाली में, तो इसमें आप देख पाएंगे कि सारी जो एंट्री हैं वो सक्सेस दिखा देगा, ठीक है। तो अभी तक एक्सेप्शन का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, इसका जैसे ही जो सोल्यूशन मिलेगा हम इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपको डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें सक्सेस रिकॉर्ड आप चेक कर पाएंगे, सक्सेस वाले पे इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डाटा वैलिडेशन ऐसे सारे डिटेल दिखाएगा, ठीक है। ये सारा नंबर दिखा देगा, डाटा पोर्टेड वैलिडेटेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली, तो सक्सेस वाले में सभी में यही बताएगा। और फेलियर वाला यदि आप चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको फेल का रीजन बताएगा। जैसे हमारी ये फाइल थी, इसमें जैसे 628 वाली सक्सेस हो गई थी, ये हमने इसे अपलोड की थी उससे अगले दिन सक्सेस दिखाया था, तो कई बार आपको वेट करना पड़ सकता है थोड़ा सा, ठीक है। 00 यदि काउंट आ जाता है तो आप नेक्स्ट डे उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। अब जैसे 9 से 12 में हम चेक कर रहे हैं व्यू एंट्री, इसके अंदर सारे ही फेल थे, ठीक है। तो इसके अंदर तो सारे फेल ऐसे थे कि हमने जैसे एंट्री अपलोड की और उसी टाइम हमने 2-3 मिनट का वेट नहीं किया और उसके बाद हमने स्टेटस चेक किया तो वो फेल हो गए सारे। तो आपको अपलोड करके यदि बड़ी फाइल है तो आपको मतलब 10 मिनट वेट करना है, यदि छोटी फाइल है तो आपको 2-3 मिनट या 10-5 मिनट तो आपको वेट करना ही है। उसके बाद यदि 00 आ जाता है या लॉगआउट हो जाता है तो आप दोबारा लॉग इन करके उसको आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसी जैसे फेलियर काउंट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसमें रीजन दिखाएगा भी क्या रीजन था फेलियर का, कि स्पेशल ट्रेनिंग इज अप्लीकेबल ऑन क्लास 1-8। तो स्पेशल ट्रेनिंग वाला जो कॉलम है इस फॉर्मेट के अंदर 1-8 के लिए ही अप्लीकेबल है, वो बाकी के अंदर आपको ब्लैंक छोड़ना है। 9 से 12 की जो फाइल आप डालोगे उसके अंदर आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, वो यदि वो आप फिल करेंगे तो सारा एरर दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद हमने जैसे दोबारा फाइल डाली तो हमारे जैसे 2 ही फेलियर काउंट है। 2 फेलियर काउंट वो किस लिए हैं कि उसमें CWSN का जो आपका ऑप्शन था वो आपने यस कर रखा है स्पेशल उसके अंदर MIS के अंदर, तो वो उसमें मैच करता है, और लेकिन इसके अंदर आपने डिटेल उसकी डाली नहीं है तो इसलिए वो फेलियर काउंट हो गया। एक्सेप्शन काउंट 25 में है, उसका कोई रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो 363 आपकी सक्सेस में से 336 आपके सक्सेस हो गए हैं, जैसे इसमें आप सक्सेस देख पाए हैं, सक्सेस हो रखे हैं, अभी हमने वो एरर इसकी रिमूव कर दी थी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि फेलियर, अब हम देखेंगे, अब 2 फेलियर दिखा रहा है। अब 2 फेलियर का जो रीज़न है वो हम आपको क्लियरली मेंशन यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या रीज़न वो उसमें बोल रहा है। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल अपलोड करें उसमें क्या दिक्कत है। आप फेलियर पे क्लिक करेंगे, जैसे फेल्ड पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फैसिलिटी रिसीव्ड बाई CWSN शुड नॉट बी इम्पटी इफ स्टूडेंट हैज़ फील्ड डिसेबल इन मैन प्रोफाइल। यदि आपके MIS के अंदर आपको स्टूडेंट को डिसेबल दिखा रखा है तो उसकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट कीजिए, उसमें आप उसको बताइए कि वो कितना हैंडीकैप है, कितना परसेंट हैंडीकैप है, वो सारी उसकी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कीजिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप उसको यस या नो का ऑप्शन कर सकते हैं, वो यदि करके आप दोबारा करेंगे इसको अपलोड तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ये CWSN वाली प्रॉब्लम काफ़ी के साथ, फेलियर के साथ यही प्रॉब्लम मोस्टली आ रही है। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं सभी में, दोनों में ही यही प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो यदि हम इस फाइल को दोबारा अपलोड करेंगे ठीक करके, तो रीनेम करके आपको फाइल अपलोड करनी है। ये एक खासियत है कि आपने जिस नाम से फाइल डाल दी है वो डिलीट तो आपकी होगी नहीं, लेकिन उसके बाद आप दोबारा कर सकते हैं। एक्सेप्शन वाले में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए फाइल का नेम चेंज करके ही आपको दोबारा अपलोड करनी है। तो इस टाइप से इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये सारा ऑप्शन थे हमने जैसे अपलोड कर रखे थे। तो ये एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी जिसके अंदर, अब इसको हम जैसे डाउनलोड कर लिया हमने फोल्डर 6-8 का, ये फाइल डाउनलोड किया और 9 से 12 की भी, तो ये दोनों आपको लिंक के अंदर मिल जाएंगी। इनमें जो है वो 100% ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आपका जो फॉर्मेट मिलेगा आप सेंट्रलाइज वाला, उसके अंदर जो इसके अंदर बेसिक फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही जो आपकी लिखी मिली है। सेकंड जो शीट देखोगे आप, उसकी सेकंड शीट के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन
मिलेंगी सभी में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अब जैसे ये फाइल हमने डाउनलोड की है उसमें हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये सबसे पहले वाला जो ऑप्शन हम दिखा पा रहे हैं आपको कि स्पेशल ट्रेनिंग बिल्कुल ब्लैंक है, 9 से 12 की जो आप करेंगे तो उसमें स्पेशल ट्रेनिंग वाले कॉलम में कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स इसमें शो कर रहा है। जैसे 9 से 12 के तो कितने बच्चे थे, ये सारे हिंदी का ऑप्शन, फिर 47, फिर 9। तो आपको ये जो सेकंड सेट के ऊपर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं भी, लैंग्वेज में ये चूज करना है, इसमें ये चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करते हुए चलना है। अपनी ओर से टाइपिंग नहीं करनी है, टाइपिंग में आप कैपिटल लेटर भी नहीं लोगे, जो आपके उस सेकंड सीट के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं कैसे कैसे आपको लेके चलने हैं वो सारे करने हैं। और इस जो हमने जो फॉर्मेट डालेंगे अभी आपको लिंक में, उस फॉर्मेट में जो जो चीज़ें ब्लैंक है, जैसे 1 to 5 के लिए जो जो चीज़ें ब्लैंक वो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो सभी के लिए जैसे जो जो 6 to 8 के लिए जो ब्लैंक वो 6 to 8 के लिए ब्लैंक छोड़ दीजिए। जैसे इसमें नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेट दिखा रखा है, 1 सेट या नन, तो किसी को 2 सेट मिले, किसी को 1 सेट मिला, किसी को नन, तो किसी को कुछ नहीं मिला है। यदि अभी तक ड्रेस के रुपये नहीं आए हैं तो आप उसमें नन डाल दीजिए। हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें लगभग सेम है हमारे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में सभी में। और ये रिजल्ट आपको डालना है 5th का 8th का और 10th का। जो बच्चा अभी 6th में उसका 5th का रिजल्ट डालेंगे, जो अभी बच्चा 10th में उसका 9th का रिजल्ट डालेंगे, जो बच्चा अभी 12th में है उसका +1 का नहीं डालना है। ठीक है, तो 5th का 8th का और उसका 10th का डालना है, 11th का जो बच्चा है उसका 10th का रिजल्ट डलेगा। अभी आप इसमें देख पाएंगे अभी की जैसे ये फॉर्मेट था हमारा, इसमें आप इसकी सिंपल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक है टू डाउनलोड सिंपल फाइल फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो फाइल है वो इन्होंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल की अभी जैसे आपकी खुल गई है, इसमें जो सारे ऑप्शन हैं, जो स्टार मार्क हैं वो मैंडेटरी फील्ड हैं, वो आपको कंपलसरी फील करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, और वही हमने कंपलसरी फिल कर रखी हैं, इसके अलावा भी एक दो हमने फिल कर रखी हैं, या फिर जिसमें नॉट अप्लीकेबल या नॉन आएगा। ये देखो सेकंड सीट के ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन हैं, प्रमोटेड है जो भी है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज जैसे होगी मदर टंग कौन सी लेंगे, इसमें से डिट्टो आप कॉपी पेस्ट कीजिए, उसके बाद बिलोंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप यस या नो लीजिए, उसके बाद रीजन टू कवर्ड अंडर डिसएडवांटेज ग्रुप ये ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इफ स्टडिंग इन क्लास 1, ठीक है, फिर फैसिलिटी रिसीव्ड बाय CWSN, नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेट, सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक ये सभी को मिली है 1 to 8 के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांसफर फैसिलिटी है यस नो या नॉट अप्लीकेबल, ऐसी सारी चीज़ें आपको ये इसमें आ जाएंगी। फिर ये हॉस्टल फैसिलिटी कस्तूरबा गांधी यदि स्कूल है आपकी तो उसके अंदर हॉस्टल फैसिलिटी है, बाकी इस किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। ये है विद पेरेंट्स नॉट अप्लीकेबल होमलेस वाला, इसमें प्रोमोटेड है, रिपीटर है, यदि फेलियर कोई बच्चा तो उसको आप रिपीटर दिखाइए। ठीक है, उसके अलावा बाकी सभी बच्चे प्रमोटेड होंगे। और ये जो भी ट्रेड हैं जैसे 9 से 12 यदि एनएसक्यूएफ चल रहा है आपके तो वो आपको दिखाएंगे, यदि 9th में तो Level 1 है, 10th में तो Level 2 है, उसके अलावा Level 3 जैसे जो भी हैं वो आप इसके अंदर ऑप्शन देखते चलेंगे। स्टडी ऑप्टेड फॉर यदि किसी को में +2 तक का एनएसक्यूएफ का हो चुका है तो उसमें यदि कोई बच्चा गवर्नमेंट प्लेस्ड हुआ है या सेमी गवर्नमेंट हुआ है, एंगेज हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ है, जो भी उसके एनुअल सैलरी ऑफर्ड क्या हुई है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस टाइप से अब हम जैसे 6 to 8 का हम हमारा खोल के दिखा रहे हैं जो अभी अपलोड की थी हमने, उसमें सेम इसी तरह हमने जो लैंग्वेज जो चूज की है, जैसे जो भी उसमें फिल्टर था। ठीक है, सेकंड शीट जो आपकी दे रखी थी बेसिक वाली, उसके अंदर जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करते हुए चलना है। कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं उसमें, उसमें यदि आप खुद लिखेंगे सारे कॉलम भर लेंगे इसमें नोट अप्लीकेबल है, आप इसमें नो कर देंगे तो भी आपको एरर शो करेगा उसके अंदर। जैसा इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉलो करते हुए चलिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है। तो अभी हमने ये आपको एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाई है, अब हम आपको एक प्राइमरी स्कूल दिखा देते हैं जिसमें कि सारी चीज़ें सक्सेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये अब थी ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें हमने 3 सीटें डाल रखी हैं, लेकिन अब इसको हम कर देते हैं लॉग आउट। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे दूसरी स्कूल खोल रहे हैं, अब भी आप देखेंगे दूसरी स्कूल आ रही है, इसे अभी हम काट रहे हैं इसको, और फिर जीपीएस 15343 एडमिन। ठीक है, आईडी पासवर्ड इसका सेव है हमारा, लॉगिन कर लेते हैं। इसमें हम आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखाएंगे कि स्टूडेंट एडमिशन में आप जाएंगे और ब्लॉक वाले पे आप क्लिक करेंगे तो इस स्कूल के अंदर आप देखेंगे अपलोड जो हमने कर रखी है फाइल वो क्या है कि 31 टोटल काउंट है, 29 सक्सेस काउंट है, 2 और 3 आपके फेलियर काउंट और 26 सक्सेस काउंट है, 2 एक्सेप्शन काउंट है। एक्सेप्शन काउंट आए हैं ब्लैंक लाइन की वजह से, और फेलियर काउंट जो 3 है वो उसी का सेम रीजन है, और सक्सेस काउंट आपका 26 आ गए। टोटल 29 बच्चे थे लेकिन इसमें 31 दिखा रहा है क्योंकि जो ब्लैंक लाइन थी वो भी काउंट इसमें कर रहा है, तो ब्लैंक लाइन यदि काउंट करता है तो उसकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जैसे इसके व्यू देख पाएंगे सक्सेस वाला तो सक्सेस दिखाई देगा, अब इसमें फेलियर के रीजन हम देखेंगे तो वो हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें फेलियर जो 3 बच्चे हैं उनका रीजन क्या दिखा रहा है ये।
ठीक है। उसके बाद यदि आपको फाइल को रीनेम करके आप डालेंगे तो दोबारा से वो ठीक हो जाएंगे बच्चे, तो आप उसको दोबारा डाल सकते हैं। इसमें डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा। फेलियर का रीज़न एक और है, यदि आपने कोई फाइल अपलोड की है और उसमें कुछ से बच्चे सक्सेस हो गए, दोबारा यदि उसी फाइल को डालोगे तो जो बच्चे सक्सेस हो चुके थे वो दोबारा से आपके सक्सेस नहीं होंगे। इसमें जो तीन बच्चे हैं फेल दिखा रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे डुप्लीकेट एंट्री अनेबल टू सेव डाटा, जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ एक बार ही सेव होंगे। इस स्कूल ने इंडिविजुअली तीन बच्चों की एंट्री कर दी थी, उसके बाद हमने इसे बल्क में की, तो बल्क में की तो क्या हुआ कि जो तीन बच्चे थे वो तो फेल दिखाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। दूसरी यदि आप फाइल डालते हैं तो उसमें जो बच्चे सक्सेस हो चुके हैं उनको आप रिमूव करके भी आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइल जो आप अपलोड कर दोगे वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। जो एंट्री दोबारा होंगी वो डुप्लीकेट एंट्री शो करके फेल हो जाएंगी, बाकी आपकी टोटल सक्सेस काउंट कंप्लीट आ जानी चाहिए, तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप से आप एक से ज़्यादा भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। आप क्लास वाइज भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, उसका भी कोई इश्यू नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको अपलोड करते हैं। हमने 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12, इससे तीन तरह से आपको सीटें दी हैं। जैसे हमने ये अभी GPS डाना कि इससे अपलोड कर दिया है, इसमें आप देख पा रहे हैं 29 ही बच्चे हैं, लेकिन दो इसमें ब्लैंक लाइन जो थी वो एक्सेप्शन में उसने काउंट कर ली हैं। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट थे वो लगभग सारे हो चुके हैं, 29 थे, 26 सक्सेस काउंट हो चुके हैं, 3 फेलियर इसलिए हुए क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डुप्लीकेट एंट्री से बचना है जितना हो सके, ठीक है। और बाकी आप इसमें फाइल अपलोड करेंगे उसमें आपको थोड़ा वेट भी करना है। आप फाइल इसमें डाल के इंडेक्स वगैरह में नंबर ऑफ उसमें कुछ भी आपको नहीं डालना है, और ये सैम्पल फॉर्मेट भी आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी MIS से जाके आप इसको रिपोर्ट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉर्ड उसको इसमें जाके डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। तो अब हम इसको कर देते हैं लॉगआउट, और अगली हम आपको बताते हैं एक फाइल, हम आपको बिल्कुल क्लियरली पूरी दिखाएंगे कि कैसे आपको अपलोड करनी है। देखिए, जैसे हमने एक तीसरी स्कूल खोल ली अभी, ये भी GPS स्कूल ही है, प्राइमरी स्कूल है, इसको हमने जैसे अभी लॉगिन कर दिया है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें अभी हमने फाइल अपलोड नहीं कर रखी है। स्टूडेंट एडमिशन में हम जाएंगे, बल्क में हम जाएंगे, ठीक है। बल्क में हम यदि जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सीट इंडेक्स में कुछ नहीं डालना है, नंबर ऑफ हेडर लाइन में कुछ नहीं डालना है, अपलोड फाइल में जो आपने फाइल सेव कर रखी है एक्सेल की वो आपको लेनी है। जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है SDMIS के नाम से, हमने सेव कर रखी है SDMIS GPS बास, इसको हम चूज करेंगे, ओपन पे क्लिक किया। अब इसको अपलोड पे क्लिक कर देंगे, जो ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि साइट की कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसमें हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, यदि टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है तो आप इसमें वेट कर लीजिए। इसे 2-3 मिनट हम वेट करेंगे, आपको दिखाएंगे इसमें 2-3 मिनट वेट करके, ठीक है। 2-3 मिनट के वेट के बाद यदि आपको सक्सेस आ जाते हैं सारे तो वेल एंड गुड, यदि उसमें फेलियर आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक वेट करने की ज़रूरत है। तो कई बार सर्वर इतना फास्ट रहता है कि आप डालते ही अपलोड करते ही सक्सेस आप यदि चेक करेंगे तो हो जाएगा, वरना यदि फेल दिखा देता है तो भी आप उसका दोबारा से अपलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी जैसे हमारा रिक्वेस्ट सेंड टू जॉब सर्वर, कितना टाइम लग गया इसमें, कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसमें लग गई है। इसमें लिख रखा है इन केस ऑफ करंट स्टेटस इज फेल्ड रीनेम द फाइल एंड अपलोड दी अगेन आफ्टर सम टाइम। तो यदि जैसे आपने ये फाइल डाली है SDMIS GPS बास, तो अगली बार यदि डालेंगे तो आप SDMIS GPS बास 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इसका रीनेम करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको अपलोड करनी है। तो इसमें टोटल काउंट आपको 0, सक्सेस काउंट 0 अभी तक ये दिखा रहा है। इसमें आप वेट कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, यदि आपकी ये 0-0 रहती है तो आप दोबारा लॉगिन करके देख सकते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ये सक्सेस काउंट दिखा दे। यदि फिर भी नहीं दिखाता है तो आप दोबारा से जो जो फेल बच गए उन बच्चों का दोबारा से आप इसमें कर सकते हैं। उनका रीज़न आपको ज़रूर देखना है कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। हम जैसे जो फाइल आपको देंगे उसके अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपसे मिस्टेक रह जाती है तो वो मिस्टेक का रीज़न दिखाएगा भी क्या रीज़न है। हमने 2-3 तरह की मिस्टेक आपको बताई हैं, CWSN की, डुप्लीकेट एंट्री की। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आप यदि छोड़ोगे तो उसमें आपको एरर दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो वो तो आपको छोड़नी नहीं है। उसके अलावा यदि कोई एक्सेप्शन केस बच जाता है और उसके बाद भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कॉमेंट में डाल सकते हैं। अभी हम इसका जैसे स्टेटस चेक कर लेते हैं, चेक स्टेटस पे हम जैसे इसको क्लिक करके देखते हैं, अभी 2-3 मिनट हो चुके हैं हमें करीब करीब, तो उसको हम देखना चाहेंगे कितने सक्सेस हो गए, कितने फेल हुए हैं। तो इसमें हो सकता है कि कुछ ही सक्सेस हो, सारे सक्सेस नए भी हों। तो अभी क्योंकि जल्दी हम करके दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि अभी यदि हम आपको 10 मिनट यहाँ पे रोक के रखेंगे तो इसका बेनिफिट नहीं है। चेक स्टेटस में हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी जैसे हमने क्लिक कर दिया है
तो इसमें आप देख पाएंगे कि कुछ सक्सेस हो जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। उसका फेल का रीज़न ये है कि हमने उसको टाइम ही नहीं दिया है। फेल का तो रीज़न हो गया, लेकिन टोटल काउंट ही नहीं होंगे तो वो क्या हुआ, उसका टाइम उसको नहीं मिला। जैसे अभी दिखा रहा है टोटल काउंट 4, सक्सेस काउंट 2, फेलियर 1, एक्सेप्शन 1। तो सक्सेस वाले तो ठीक हैं, फेलियर वाले का आप रीज़न देख लीजिए, और टोटल काउंट ही 4 हुए हैं आपके, तो इसका मतलब 4 ही फाइल अभी तक अपलोड हो पाई थी उसमें इतने टाइम के अंदर, तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेता है कई बार, ठीक है। इसमें फेलियर का रीज़न देखिए, फैसिलिटी रिसीव्ड बाय CWSN शुड नॉट बी इम्प्टी। तो वही रीज़न आया जैसे CWSN का जो आपको रीज़न है वो आपको बिल्कुल चेक करना है पहले। तो इसकी जो ज़्यादातर एरर आती हैं वो CWSN वाली ही एरर आ रही हैं, तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हैं। और हम तीनों फाइलें आपको लिंक में दे देंगे, और ये हमने आज आपको इसके बारे में HTMIS के बारे में बताया है। आप सभी ने अभी देखा कि हमने आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखाया है कि एक प्राइमरी स्कूल ली है हमने, एक मिडिल स्कूल ली थी और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ली थी। तीनों तरह के आपको स्कूलें हमने दिखाए हैं, कैसे उनमें सक्सेस हुआ है वो सारी चीज़ें हमने आपको क्लियरली मैंशन की हैं, और उसमें आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आसानी से हमने क्लियर आउट करने की कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं, और यदि आपको ये दी गई जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि सभी को इसके बारे में पता लग सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।